वेलकम और मेहमान आप सभी का वेलकम करता हूं बॉलीवुड गपशप। और आज मेरे साथ एक ऐसे होस्ट जिन्होंने मुझे लगता है कि मोर देन 1000 शो आपने होस्ट किया होगा, और एक ऐसी शख्सियत आपको शायद याद नहीं होगा। 2014 में टिकट टू बॉलीवुड शो के दौरान मैं वहां पर कंटेस्टेंट था। ओके, तो ये बताइए कि नागपुर आके कैसा लगा? इट्स फन, आई एम एंजॉइंग माई सेल्फ। कई बार आ चुका हूँ, शहर बहुत साफ़ है, लोग बहुत बढ़िया हैं, एंड ये एक इवेंट है मोनिका जी के लिए। काफ़ी समय से उन्हें जानता हूँ, सो आई एम होपिंग द इवेंट कम्स आउट वेल एंड वी हैव अ सक्सेसफुल इवेंट। अच्छा लगा, हमेशा अच्छा ही लगता है, और बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं यहाँ की। लाइक यू सेड, वी डिड टिकट टू बॉलीवुड। I am looking forward to all the beautiful women today, the pageant, and I wish Monica all the best. So am I. So am I. So am I. Thank you. इतना excited हो आज के शो? क्या है, हर pageant में एक खासियत होती है। वहाँ different contestants आते हैं, बहुत मेहनत करके आते हैं, अपनी stories लेके आते हैं, अपने struggles लेके आते हैं। They come with a lot of hope that this will do something, it'll bring something that will change the course of their life, it'll bring you know, things that they're looking for. It's a great platform, these pageants, so yeah, I'm hoping to see what they bring. अच्छा, खुल जा सिम सिम जो हर किसी के जहन में आज भी मौजूद है, अगर आपको खुल जा सिम सिम किसी चीज़ के लिए करना हो तो किसके लिए करोगे? आई थिंक इस समय तो जो कंटेस्टेंट्स हैं उनके लिए मैं चाहूँगा कि ज़िंदगी में खुल जा सिम सिम हो जाए। 20 कंटेस्टेंट्स हैं एंड आई विश ऑल ऑफ देम द वेरी बेस्ट ऑफ लक, और मैं चाहूँगा कि सब अपनी लाइफ में आगे जाके बेहतर करें और ज़िंदगी में खुल जा सिम सिम उनके लिए हो जाए। आप एक वॉरियर हो, एक फाइटर हो, हम बखूबी भी जानते हैं बात को। अब नागपुर की जनता को सजेशन देनी हो तो क्या देना चाहूँगा? लुक आफ्टर योर हेल्थ, एंड टुडे साइंस इतनी मतलब तेज़ी से व्हाट यू से तरक्की कर रही है कि आजकल आप अपना कोई भी, जैसे डायबिटीज़ का टेस्ट होता है, वैसे हर चीज़ का टेस्ट होता है, जांच कराते रहें ताकि शुरू में जो भी आपको बीमारी आ रही है उसका आप इलाज सही समय पे करा सकें। और आप क्या कहना चाहोगे? सेम चीज़, आई थिंक बिल्कुल सही बात कही है। शुरू में जो पहले फेज़ में अगर आप बार बार टेस्ट कराते रहेंगे बीमारी के बारे में जल्दी आपको मालूम पड़ जाएगा। एंड सबसे पहले लाइफ की प्रायोरिटी है आपकी हेल्थ। अगर आपका जिस्म सही चलता है तो ज़िंदगी में बाकी सारी चीज़ें आप एंजॉय कर सकते हो। जिस्म नहीं चलता है तो किसी कितना पैसा आपके पास हो, कितनी प्रॉपर्टी हो, कितनी गाड़ियाँ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। बहुत अच्छा लगा आपसे। और मेहमान यहाँ से कुछ नए सवालों, कुछ नए चेहरों के साथ मेहमान से गुड बाय एंड टेक केयर।